नमस्कार, मैं हूं नफीस अहमद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। खबर यूपी के सीतापुर से है, लेकिन खबर दिखाने से पहले हम आप सभी से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ताकि हमारे द्वारा चलाई गई खबरें आपको मुफ्त में मिलती रहें। अब आइए खबर की शुरुआत करते हैं। सीतापुर में गांव का रास्ता न होने के कारण ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। आपको बता दें, विकासखंड परसेंडी के भुजरिया गांव का रास्ता न होने के कारण ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है, जहां पोलिंग बूथ पर सिर्फ 2 वोट पड़े हैं। बताया जा रहा है, रेलवे विभाग द्वारा पटरी निर्माण के बाद गाँव का रास्ता बंद कर दिया गया था, जिससे कई किलोमीटर दूर से ग्रामीण निकलने को मजबूर हैं, जिसे लेकर सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा ग्रामीण नारेबाजी कर रहे हैं, जिसकी सूचना पाकर मौके पर भाजपा विधायक सुरेश राही पहुंचे। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। सर, हमारे यहाँ समस्या ये है, हमारे यहाँ बहुत कार्रवाई किया हम लोगों ने, SDM को किया, सब अधिकारियों को किया, और लखनऊ में DRM को भी किया, लेकिन हमारी वहाँ कोई सुनने वाला सर नहीं। इसीलिए हम लोगों ने सोचा, जब हमारी कोई सुनता नहीं, इसीलिए हमने उठकर अपने आविष्कार किया। इसी कारण हम लोग नहीं उठ रहे, हमारा रास्ता खुल जाए सर, हम वोट डाल देंगे। मतदान प्रारंभ हो गया क्या? हाँ, मतदान प्रारंभ हो गया। खाली